हेलो फ्रेंड्स, सोनिया क्राफ्ट्स क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं सोनिया आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट टॉय सीरीज में इस तरह के गणपति हैं हैंडमेड। इनकी कटिंग करना बताऊंगी, हम इनकी कटिंग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे लंबाई चौड़ाई सहित। अगर आप इन्हें बनाना चाहती हैं तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं इन्हें कैसे सिलना है और कैसे बनाना है वो बताऊंगी और इनकी डेकोरेशन कैसे करेंगे। तो देखिएगा मेरी सॉफ्ट टॉयज मेकिंग की अन्य वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इन गणपति की कटिंग बनाने के लिए हमें ये कटिंग चाहिए जिसे मैं आपको काटना बताऊंगी। कोई भी व्हाइट पेपर या चार्ट पेपर, कैंची, इंच टेप और पेन। टोटल 9 पीस हैं। सबसे पहले व्हाइट पेपर लेंगे अपना, इस तरह से मोड़ लीजिएगा हाफ हाफ। पांच इंच तक आप मोड़ लीजिएगा। इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह का पीस कटेगा। इस तरह से मोड़िएगा, ऊपर से निशान शुरू करेंगे नीचे की ओर लाते हुए। इसके बाद यहां ऐसे सीधे इस तरह मोड़िएगा, छोटा सा काट और फिर इस तरह से इसे इजी बनाने के लिए देखिए 5 इंच की यहां से यहां तक ये लंबाई है जिसे मैंने थोड़ा सा इस तरह से मोड़ा है 5 इंच। फिर ये यहां से यहां तक जो लाइन है ये 2.5 इंच की है, टोटल 2.5 इंच। इसके बाद 1 इंच का ये कट है और 0.5 इंच का ये है निशान। 2 इंच है यहां तक सूंड, नीचे से थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा। 3 इंच नीचे से लंबाई और ये जो आप यहां से यहां तक लंबाई रखेंगे ये टोटल 6 इंच है। अब आप इस पीस को इसी तरह से कट कर लीजिएगा। ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है पी, इन्हें जरूर लिखिएगा, ये आपके आगे काम आएंगे। सी, इस तरह से आइज लगेंगी। यहां लिखिएगा फोल्डर, इस पीस को आप साथ के साथ काट लीजिएगा। देखिए फैन, इस तरह से काट के हम इसे खोलेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। पीस नंबर 1 है, जरूर डालिएगा। यहां दूसरी आईज शोर के लिए माफी चाहूंगी, ये ईयर्स पॉइंट है। ईयर्स पॉइंट पी लिख लीजिए, सी यहां, ए यहां, बी इस तरह से पीस नंबर 2 का निशान लगाएंगे। ये
5.5 इंच की एक लाइन खींचिएगा। इसके बाद नीचे की ओर हाफ सर्कल बनाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको भी बता देती हूँ। बीच में से 4 इंच, ये 5.5 इंच और यहाँ से 4 इंच, इसके हिसाब से आप इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पी टी लिख लीजिएगा बैक हेड, पीस नंबर 2 यहाँ ओ, इस तरह से इसका निशान लगेगा। पीस नंबर 3 की तरफ चलिए, इस तरह से होगा फ्रंट बॉडी। इंच टेप से 6.5 इंच का लाइन बनाइए। नीचे से शुरू करिएगा, ऊपर की ओर ले जाते हुए थोड़ा सा मोड़ दीजिए। इसकी लंबाई 2.5 इंच है। इसके बाद 2.5 इंच इस तरह से मोड़ दीजिएगा तिरछा। इसके बाद हल्का सा अर्धचंद्राकार शेप दीजिएगा। लंबाई देखिएंगे 2.5, 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
मुड़ेगा। यहाँ 3.5 इंच है इसकी लंबाई। फिर नीचे की ओर आते हुए तिरछा शेप आप यहाँ देख लीजिएगा, लंबाई मैं आपको बता रही हूँ 2.5 इंच। इस तरह की शेप बनाइएगा। यहाँ पी, ये निशान आपके सिलते टाइम काम आएंगे, आर एस टी यू और यहाँ क्यू, यहाँ लिखिएगा 2 फ्रंट बॉडी, पीस नंबर 3। इस तरह से बनाइएगा पीस नंबर 3, पीस नंबर 4। शेप ये रहेगी बैक बॉडी की। एक लंबी लाइन खींचेंगे, लंबाई 6 इंच की लाइन खींचिएगा। दो इंच की लाइन ऊपर। इसके बाद जैसे आप सूट की बाजू बनाते हैं इस तरह की शेप आएगी। टोटल 3.5 इंच की। फिर नीचे की ओर भी इसी तरह से अर्धचंद्राकार से। इसकी लंबाई 2.5 इंच होगी। आपको इसमें आइडिया से ही बनाना पड़ेगा, बाकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ। यहाँ 2 इंच इस तरह से शेप रहेगी। आप वीडियो को पॉज करके अपने पीसीज की लंबाई चौड़ाई लिखिएगा। यहाँ 2.5 इंच सीधी रेखा इसे मिला दीजिए। यहाँ लिख दिएगा पॉइंट जे आई जी एच ई, यहाँ लिखिएगा 2 बैक बॉडी। पहली फ्रंट बॉडी थी और ये बैक बॉडी यानी कि पीछे की बॉडी, पीछे का भाग, पीस नंबर 4 देख लीजिएगा। पीस नंबर 5 करेंगे। इयर्स हैं गणपति जी के। शेप देखिएगा कैसे बनाएंगे। नंबर 5 कान,
सीधी रेखा खींचेंगे। लंबाई 3.5 इंच की एक सीधी रेखा खींच लीजिएगा। इसके बाद तिरछी रेखा 3 इंच की शेप इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आते हुए 3 इंच। अब इस तरह की शेप बनाइएगा। इस तरह से 3 इंच 3 इंच यहाँ लिखिएगा 4 ईयर्स, ये कान है, पीस नंबर 5 है, ये शेप होगी। पीस नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शेप ये होगी। फ्रंट लेग्स सीधी रेखा खींचेंगे, इंच टेप साथ रखिएगा। ऊपर से लंबाई 3 इंच की एक रेखा खींचिएगा। आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इसे बना लेंगे। आप मेरे सॉफ्ट टॉयज वीडियो की टेडी बियर वगैरह की कटिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने गिलहरी, टेडी बियर, रैबिट, डॉल, चिड़िया, चूजा, खरगोश आदि कटिंग और मेकिंग वीडियोस दी हुई हैं। उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये 3 इंच है। पांच इंच की लंबाई इधर से, ये पूरी रेखा 5 इंच है। नीचे से 1.5 इंच, तीन इंच, 3 इंच के बाद आप इसे इस तरह से जैसे पैंट में नीचे से होता है इस तरह से रेखा से मोड़ दीजिएगा। इसकी टोटल लंबाई 3 इंच। पॉइंट लिखिएगा UT, लिखिएगा 2 फ्रंट लेग्स, ये सामने के पैर हैं। पीस नंबर है 6। शेप देख लीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 7, पीस नंबर 7, 2 बैक लेग्स, इस तरह से करेंगे। सीधी रेखा खींचिएगा। टोटल लंबाई 5.5 इंच। दो इंच ऊपर की ओर जाते हुए। अब आप पहले इस तरह से बनाएंगे शेप ऊपर से नीचे की ओर, फिर दोबारा से ऊपर से इस तरह से चलते हुए 1 इंच की ये है, 5 इंच यहां तक आ जाएगी इस तरह से रेखा, फिर इसे मोड़ देंगे इस तरह से। पीस नंबर 7, 2 बैक लेग्स, ये पीछे की पैर हैं, आई और एल पॉइंट है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से शेप बना लीजिएगा। पीस नंबर 8, ये है 2 फ्रंट हैंड्स, ये सामने के हाथ हैं। पहले आप 2.5 इंच की इस तरह से तिरछी रेखा खींचिएगा। इस तरह से 2.5 इंच की खींचकर उसे इस तरह से तिरछा कर दीजिएगा। ये 2.5 इंच हो गई है। इसके बाद 4 इंच की आप इस तरह से पीछे की ओर जाते हुए रेखा खींचिएगा। 4 इंच, उस रेखा को आप नीचे से इस तरह से मोड़ दीजिएगा। दो इंच तक, यहां से यहां ही 2 इंच है, यहां से यहां 2 इंच ऐसे मोड़ेंगे और ये
इस रेखा से मिला देंगे, 4 इंच, 4 इंच, 2.5 इंच और 2 इंच। पीस नंबर 8 है आर पॉइंट एस पॉइंट, यहां लिखेगा 2 फ्रंट हैंड्स, 2 सामने के हाथ, ये देखिएगा। पीस नंबर 9 लास्ट पीस है, इस तरह से शेप रहेगी, 2 बैक हैंड्स, 2 पीछे के हाथ। इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर अर्धचंद्राकार एक रेखा खींचेगा, जिसकी लंबाई 2.5 इंच तक होगी। ऊपर से सीधी रेखा खींचेगा 4.5 इंच की, इस लंबाई से 4.5 इंच, फिर ये नीचे आ जाएगी, इसी तरह से मुड़ जाएगी, और इसे इस तरह से मिला दीजिएगा 4 इंच पे, नीचे से सीधी रेखा 4 इंच। पॉइंट्स बनाइएगा एच जी। पीस नंबर 9 है, लास्ट पीस है 2, लिख लीजिएगा 2 बैक हैंड्स, ये 2 पीछे के हाथ हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये शेप रहेगी, आप इसे थोड़ा आइडिया से ही बनाइएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ये गणपति जी की कटिंग है। सेकंड पार्ट आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं इन गणपति जी को, ये इन्हीं की कटिंग है, सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि आप इन्हें कैसे कपड़े पर कन्वर्ट करके कैसे सिलेंगे, कौन से पॉइंट से कौन सा पार्ट सिलेगा, वो वीडियो जल्द आएगी। तब तक आप मेरी अन्य वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इन सभी कटिंग्स को काट लीजिएगा। इस तरह से सारी कटिंग्स काट लीजिएगा, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।